हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी को मेरा नमस्कार। मीरा देवी लेटेस्ट कटिंग लेकर के आई हैं आज ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने फैब्रिक को एक बार फोल्ड कर लिया। देखो, अब देखिए फ्रेंड्स, हम दूसरे बार से फोल्ड करेंगे इसको बड़े ही अच्छे तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने डबल से फोल्ड कर लिया और डबल से फोल्ड करते हुए देखिए फ्रेंड्स, ये ब्लाउज हमारा अस्तर वाला ब्लाउज है। और देखिए फ्रेंड्स, बड़े ही अच्छे तरीके से हम इसको कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले हमने अपने फैब्रिक को नाप लिया। नापने के बाद देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने इसको रख लेना है बड़े ही अच्छी फिनिशिंग के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हमें जो हमारा इस तरीके से आड़ा हो रहा था, हमने इसको एक सार करते हुए शोल्डर रखे 6 इंच, आर्म होल रखे 6.5 इंच, 7 इंच भी रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने 6.5 इंच आर्म होल रख दिए कुछ इस तरीके से। और चेस्ट रखेंगे फ्रेंड्स हम, यानी कि 36 का 1/4 आएगा हमारा 9 इंच। देखिए फ्रेंड्स, हमने 9 इंच चेस्ट रखते हुए 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए बड़े ही प्यारे तरीके से। और फ्रेंड्स, इसकी जो मैंने लेंथ रखी है ब्लाउज की, नॉर्मली ही लेंथ होती है 15 इंच, और यहाँ से भी 15 इंच। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से एक लाइन खींच लेनी है और यहाँ से गला 2.5 इंच और यहाँ से भी 2.5 इंच। अब इसकी जो हमें लेंथ बना लेनी है कुछ इस तरीके से और यहाँ से भी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने बनाने के बाद ये मैंने बना करके तैयार किया है कुछ इस तरीके से। और तैयार करते हुए बड़े ही प्यारे तरीके से, तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने तैयार करते हुए अब कटिंग कर लेनी है। हमने कटिंग कर ली, कटिंग हमने बड़े ही अच्छे तरीके से कटिंग करते हुए, देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने कम गहरा कट किया है इसमें हमारा बैक का हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसको बैक के को निकाल के एक साइड रख देंगे। और बैक हम एक साइड रखते हुए बड़े ही प्यारे तरीके से देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से बैक को एक साइड रख दिया। और अब हमारा फ्रंट का गला कट हो चुका है और ये मुड्ढे भी थोड़े गहरे कट करेंगे क्योंकि ये हमारा फ्रंट का है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने मुड्ढे कट कर लिए और गला भी कट कर लिया। और देखिए फ्रेंड्स, ये गला हमने बैक साइड का रखेंगे, चौड़ाई में जो रखते हैं हम गला। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से रखेंगे 3 इंच, लेंथ रखेंगे इसकी हम 8 इंच। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी लेंथ मैंने 8 इंच रखी क्योंकि ये हमारा बैक का है और हमें डीप गला चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसकी लेंथ रख दी 8 इंच और यहाँ से कट कर दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो हुआ हमारा कट। अब हमें इसमें से बाजू कट कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से बाजू कट करते हुए बाजू की जो मैं चौड़ाई रखूँगी कम्प्लीट 4 इंच की रखूँगी, तो हमें काट लेना है 5.5 इंच, तो यहाँ से भी 5 इंच। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें बाजू कट कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से बाजू कट कर ली। और इसकी जो मोहरी रखनी है हमें यहाँ से 6 इंच। तो देखिए फ्रेंड्स, बड़े ही प्यारे तरीके से हमने ये कट कर लिया और बीच सेंटर पे निशान लगा लिया। अब ये आया हमारा अस्तर। तो देखिए फ्रेंड्स, इस अस्तर को हम इस तरीके से काट लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से अस्तर काट लिया। और अस्तर काटने के बाद कुछ इस तरीके से अस्तर हमने काट के तैयार कर लिया। और फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से हमने अस्तर फोल्ड कर लिया, एक यानी कि डबल से हमने इसको फोल्ड कर लिया। और इसे बीच से बस इसी तरीके से कट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 2 पार्ट हो जाएंगे। और इसकी लेंथ नाप लेनी है कुछ इस तरीके से और जो हमारा एक्स्ट्रा है हम उसको कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने लेंथ नापते हुए और एक लाइन खींचते हुए, तो ये हमारा एक्स्ट्रा है, हमने इसको कट करके एक साइड कर दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अब हमें इस पर रख करके हम कच्चा करके लाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मशीन इस पर हमें चारों साइड में यहाँ तक घुमा करके तैयार कर लेनी है। और देखिए फ्रेंड्स, दूसरे पार्ट में भी सेम यही
इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट में सिलाई करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने रखते हुए और ये रख लिया हमने कुछ इस तरीके से। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने सिलाई भी कर ली और इसको कटिंग कर लेना है बड़े ही अच्छे तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको कटिंग करने के बाद और यहाँ से भी अब हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं कुछ इस तरीके से। और छोटे छोटे कट लगाते हुए बड़े ही प्यारे तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने छोटे छोटे कट लगाने के बाद अब हमें इसको भी कट कर लेना है, दूसरे पार्ट को भी बिल्कुल सेम वही जैसे कि हमने अभी कट किया था वैसे ही इसको कट करेंगे। और कट करते हुए देखिए फ्रेंड्स, बड़े ही अच्छे तरीके से हमने इसको कट कर लिया। और कट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, बड़े प्यारे तरीके से हमने इसको कट करते हुए अब हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। तो हमने इस तरीके से छोटे छोटे कट लगाते हुए अब हमें इसको फोल्ड कर लेना है, यानी कि पलट लेना है अंदर को। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने पलटने के बाद अपना यानी कि ब्लाउज ये, तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों को हमें इसी सेम इसी तरीके से हमने पलट करके निशान भी लगा लिए चुनों के। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बाजू भी कंप्लीट कर ली इस तरीके से। मेरा सारा कंप्लीट है, अब हमें प्लेटें डाल लेनी हैं। तो प्लेटें हम कुछ इस तरीके से डालेंगे, देखो एक के बाद एक प्लेट, एक के बाद एक प्लेट और डालते चले जाना है। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से डालते हुए ये हमारी साइड की प्लेट है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस प्लेट को भी डाल के तैयार किया कुछ इस तरीके से। अब ये भी हमारी, तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अब मैंने यहाँ पर ये मेरा यानी कि जो इस पे हमें हुक या आई बनानी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए हमें ये तैयार कर लेना है। तो हम इस पे आई बनाएंगे कुछ इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, इस पे हमें आई बनानी होती है तो ये हमें थोड़ा एक्स्ट्रा निकालना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से सिलने के बाद, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा निकाल लेंगी और ये सिलाई करके तैयार कर दूंगी। देखिए इसको इस तरीके से बड़े ही अच्छी फिनिशिंग के साथ इसमें हमें सिलाई लगानी होती है। और इस बात का विशेष ध्यान रहे कि हमारे अंदर की सिलाई दिखे ना। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने सिलाई लगा करके तैयार कर लेना है और यहाँ से भी। और देखिए फ्रेंड्स, ये तो हुआ हमारा कंप्लीट। अब हमें दूसरी साइड से लगा लेनी है। तो इससे पहले कि हमें मुड्ढे जोड़ लेने हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, हम शोल्डर ज्वाइंट कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने शोल्डर ज्वाइंट करते हुए बड़े प्यारे तरीके से और इस तरीके से मैंने शोल्डर ज्वाइंट कर लिए। और देखिए फ्रेंड्स, हर न्यू वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट में लिखना ना भूलें। आपको सिलाई से संबंध हर न्यू डिजाइनर वीडियो मिलती रहेंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरीके से अपनी बाजू भी ज्वाइन कर ली, दूसरी साइड से भी हमें सेम यही तरीका अपनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बीच से बाजू इसलिए ज्वाइन करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमें बीच से बाजू ज्वाइन करने का बहुत ही फ़ायदा होता है। तो हम बीच सेंटर पर निशान लगा लेते हैं और बीच से बाजू चढ़ा करके तैयार कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ये फिटिंग लगा करके कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से अब मैंने इस तरीके से ये फिटिंग लगा करके कंप्लीट कर लूँगी। और देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है ब्लाउज की कटिंग करना, उससे भी आसान है ब्लाउज की सिलाई करना। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से ये ब्लाउज हमारा कंप्लीट होने जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से। और फ्रेंड्स, ये हमने नीचे की साइड से हमें फोल्ड करना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम नीचे की साइड से फोल्ड करते हुए जाएंगे ब्लाउज को।
अब देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरीके से इसको फोल्ड करते हुए बड़े ही अच्छे तरीके से और देखिए फ्रेंड्स, हमने ये नीचे की साइड हमने बराबर ही मोड़ कर, यानी कि बराबर ही नाप करके मोड़नी है, फोल्ड करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बराबर ही नापी और फिर उसको फोल्ड कर लेना है कुछ इस तरीके से। और देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पीछे की बैक साइड की डोरी बनाई है कुछ इस तरीके से और हमें इसमें ज्वाइन कर लेनी है इन डोरियों को कुछ इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ब्लाउज बनके तैयार है, बड़े ही कम समय में सुंदर सा ब्लाउज है हमारा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह की डोरी हमने बना करके कंप्लीट कर ली इस ब्लाउज पे, डीप गले पे लगाने के लिए। और देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरीके से रखा है और यहाँ पर दोनों साइड से लगा करके इसको तैयार कर लेना है, इधर की साइड से भी और इधर की साइड से भी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कुछ इस तरीके से बनाई और बना करके तैयार कर ली। और तैयार करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, बड़े ही अच्छे तरीके से हमने इसको तैयार कर लिया। और देखिए फ्रेंड्स, इस